नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए। टमाटर की आप बोली देख रहे हैं, और सोलन सब्जी मंडी की ये तस्वीर है। इस वक्त आप देख रहे हैं, बड़ी कम मात्रा में आज टमाटर, लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है। और मैक्सिमम रेट आज लोकल टमाटर 800 रहा है। अच्छी तरह टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हुआ है, लेकिन टमाटर को अब बीमारी लगी, सुंडी रोग से ग्रस्त हो गया है। और यही वजह रही है कि आज मंडियों में जो टमाटर इस तरह का पहुंचा है तो 300 रुपये प्रति किलो के, 300 रुपये प्रति ग्रेड के हिसाब से यह टमाटर बिका है। लेकिन अब बोली आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि टमाटर की बल्टी की जा रही है। क्या माल है? 411 रुपये जी, जब तक चंडीगढ़ के बाजार करेगा हो ही जाएगा लाल। पाँच सौ 511 रुपये तक बोली लगी है, देखते हैं। कच्चा सारा है ना वो जी, कच्चा नहीं, ठंडा हो गया मेरे। नहीं आप टमाटर की पल्टी की जा रही है। किस तरह का टमाटर? टमाटर नीचे स्टॉक पड़ा हुआ मेरा, पर लिए कुछ एक नंबर में 400। लिख दो बजरंगी का पाव जी, अब 11 करोड़ इसकी कर दो, और क्या है? 450 रुपए जी, देखो बजरंगी। चलो बजरंगी 2 रुपए यार, फुल पाइस और जो जा रहा है इसकी कीमत बच्चे ये टॉप का वाली, टॉप का नहीं है, बराबर ही है, बराबर ही है। पलटो इसको भी, तब कभी पलटो इसको भाई, क्या करो, बराबर ही का टक्कर है तो जवाब टमाटर की पलटी की जा रही है। पलटी को देखा जा रहा है कि किस तरह का टमाटर इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। तू माल लेने नहीं देते हो, चल चल और कहां जाएगा, चलो लो जी नीचे जाने दे देते हैं। देखो 400 ये तो भाई भर्ती देख लो, इसमें क्रेड और फल सिंपल लगा रखा है, मैं देखा हूँ बदलते हुए एक नीचे सब्जी मंडी की तस्वीर है। टमाटर के आप देख रहे हैं कि किस तरह के भाव टमाटर के चले हुए। देखो बाबू जी, देखो 500 511 तो खरीदो, चलो 600 कर दो। 600 रुपए जी, 711 रुपए जी, देखो देखो कैसे रखती पड़ी, जैसे कि मैं और क्या करना है, कल ठीक ठाक उड़े होने इसके बहन जो फिर सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर हम आपको तो दिखा रहे थे। टमाटर की यहाँ पर बोली लगी हुई थी, आज टमाटर कम मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है। लेकिन लोकल टमाटर के भाव
में आज कुछ ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से नासिक का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है, नासिक का टमाटर 900 से 1000 रुपए प्रति के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में, और नरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ठाकुर साहब, टमाटर की आपने बोली लगाई, टमाटर किस भाव बिका, फ्रांस बीन और शिमला मिर्च के भी क्या दाम रहे? टमाटर की बात करें तो मीडियम टमाटर है आज 200 से लेकर 400 रुपए तक बिका, और बढ़िया क्वालिटी का टमाटर 700 रुपए तक बिका है, और फ्रांस बीन भी आज 15-16 रुपए बिकी है, और शिमला मिर्च 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक। टमाटर की आपूर्ति कम हो रही, जो 75 टमाटर उसमें बीमारी लग गई है। हाँ, टमाटर लगभग समाप्त की ओर है और क्वालिटी भी नहीं है, हमारे किसान भाई भी कहीं पक्का कच्चा इकट्ठा करके और ना ग्रेडिंग है, अगर बढ़िया पका हुआ टमाटर आता तो आज भी 1000 रुपए के आसपास टमाटर बिकता है। यदि हम देख रहे हैं कि कच्चा टमाटर ज्यादा है तो मौसम का भी फर्क पड़ रहा होना, क्योंकि लोगों ने किसानों ने सुखाने के लिए टमाटर रखे हो ताकि पक जाए धूप में, लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो टमाटर अब पक नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है तो टमाटर पकने में दिक्कत आएगी, और इसी कारण से लोग मिक्स करके ले आ रहे हैं, और इस कारण के दाम भी अच्छे नहीं मिल पाते। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, सोलन सब्जी मंडी की बोली दिखा रहे थे टमाटर की, कि टमाटर के आज क्या लोकल टमाटर के भाव रहे हैं, क्योंकि नासिक के टमाटर ने तो तेजी पकड़ी ही हुई है, 900 से 1000 रुपये प्रति ग्रेड के हिसाब से नासिक का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। टमाटर के दामों में जबरदस्त उछाल नासिक के टमाटर में देखने को मिल रहा है, लेकिन लोकल टमाटर के भाव में वैसी उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली, तो वजह इसकी यह है कि टमाटर की जो क्वालिटी है अब वो उस तरह की भी नहीं रही है, क्योंकि टमाटर का जो सीजन है वो अपना समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, और लगभग टमाटर का सीजन समाप्त भी हो ही गया है, लेकिन जो किसान टमाटर भेज रहे हैं उसमें ऊपर माल पका हुआ होता है लेकिन नीचे कच्चा टमाटर होता है, तो उसकी वजह से वो दाम नहीं मिल रहे हैं। यदि एक ही तरह की क्वालिटी हो तो शायद किसानों को 1000 रुपये की भी उनकी रेट बिक जाए, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि टमाटर ऊपर पक्का है तो नीचे कच्चा है, तो उसकी वजह से दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें किसानों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि मौसम जिस तरह से सोलन में इस वक्त लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, शिमला से भी कम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान इस वक्त सोलन का है, तो उसके कारण टमाटर अब पक नहीं रहा है और किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे किसानों ने जो टमाटर बचा हुआ है उसे तोड़कर अब अपने लेंटरों पर पकाने के लिए छोड़ा हुआ है ताकि धूप में पक जाए, लेकिन बीच बीच में उस तरह से टमाटर देखने को नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि दामों में गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। ये 75 टमाटर है, नई फसल है, नई फसल अब मंडी में टमाटर की आई हुई है, लेकिन उस तरह के दाम आज इस टमाटर को और ये टमाटर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये नया टमाटर है, 75 टमाटर जो जिसे हम कहते हैं 75 सीजन का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आया हुआ है, लेकिन उस तरह के दाम आज नहीं मिले। वजह है कि ये इस टमाटर को सुंडी रोग इस वक्त लग गया है, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे किस तरह का रोग अब टमाटर को लग गया है, और उसकी वजह से दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बीमारी अब टमाटर को लगी है सुंडी रोग की, और सुंडी रोग की वजह से टमाटर की फसल अब बर्बाद हो रही है, और उसके कारण आज यह टमाटर हालांकि अच्छी क्वालिटी का था लेकिन बीच बीच में बीमारी वाला टमाटर था, तो उसकी वजह से दाम किसानों को नहीं मिले। 300 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से यह टमाटर इस वक्त बिका है, तो किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। पहले बरसात के सीजन में लगातार बरसातें होती रही, तो उसकी वजह से टमाटर की फसल को नुकसान हुआ, और टमाटर की फसल को नुकसान हुआ और उस दौरान भाव में भी लगातार गिरावट देखने को मिली, तो 75 सीजन की जब शुरुआत हुई तो किसानों को अच्छे रेट मिलने शुरू हुए थे, लेकिन अब 75 टमाटर में बीमारी लग गई है, और उसकी वजह से अब दामों में एक बार फिर से 75 टमाटर के दामों में आप देख रहे हैं कि किस तरह की बीमारी है, और उसके दामों में गिरावट देखने को मिली है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और 75 टमाटर हैं जो आज सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ था, नई फसल टमाटर की है, लेकिन सुंडी रोग की वजह से अब इस टमाटर के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, टमाटर को काफ़ी नुकसान इस वक्त हुआ है, तो किसानों के ऊपर हिमाचल प्रदेश में इस बार किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। और किशोर भाई हमारे साथ इस वक्त
जुड़ गए हैं, तो किशोर भाई से भी हम जानेंगे कि किशोर भाई पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पछेता टमाटर भी आपके पास पहुंचा है, तो क्या भाव है और बीमारी भी लग गई है? जो पछेता टमाटर आया है सर, वो है हाइब्रिड, टोटली हाइब्रिड है, लेकिन जो इसमें हाइब्रिड में जो बीमारी है वो वायरस जो सूंडी की जो है शिकायत, इसमें सूंडी की शिकायत बहुत है। अच्छा जी जी, तो पलट के माल बिका जी, साढ़े तीन हुआ हुआ, ये तो लगता है कि ये कुछ ऐसा ही है, बरसात के कारण होगा या कुछ भी है। ये जो सूंडी की बीमारी है ये नीचे भी है, नीचे भी है, बंगलोर साइड भी, गुजरात साइड भी, ये इसकी कंप्लेंट आ रही है। ठीक है। और सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है, इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बड़ी कम मात्रा में टमाटर की आपूर्ति अब मंडियों में हो रही है। पिछले काफ़ी दिनों में हमने देखा कि गर्मियों के सीजन में जिस तरह टमाटर के भरमार सोलन सब्जी मंडी में लगी हुई थी, उस वक्त दामों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। 5,000 रुपये तक टमाटर की क्रेट सोलन सब्जी मंडी में बिक रही थी, उसके बाद टमाटर के रेटों में लगातार गिरावट देखने को मिली। जैसे ही बरसात के सीजन का टमाटर शुरू हुआ तो टमाटर के रेट पहले 500 और फिर 350 रुपये के आसपास पहुंच गए थे। ऑन एवरेज रेट टमाटर का उस दौरान 200 से 250 रुपये प्रति क्रेट रह गया था। उसके बाद टमाटर के रेट दिवाली के आसपास बढ़ने शुरू हुए थे, और लेकिन अब दामों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि नासिक के टमाटर के भाव 1,000 से 1,000 रुपये के आसपास बने हुए हैं, और नासिक के टमाटर की डिमांड भी ज़्यादा है, और जो लोकल टमाटर है उसकी डिमांड ज़्यादा चंडीगढ़ में है, क्योंकि पहाड़ी टमाटर को चंडीगढ़ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही वजह है कि चंडीगढ़ के व्यापारी बड़ी संख्या में यहाँ पर टमाटर की खरीद के लिए आ रहे थे, लेकिन अब कम हो गए हैं क्योंकि टमाटर का सीजन अब अपनी समाप्ति की ओर है, और जिस तरह के टमाटर अब आ रहा है उसमें बीमारी लगी हुई है, तो इसकी वजह से किसानों को ज़्यादा दाम नहीं मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।